जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक्शन में हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक इससे 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमने जाना, इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया, साथ में जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं डाइस पर, कॉइन पर, उनको भी सोल्व किया। आज के इस पार्ट में, पार्ट 5 में, हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे कार्ड्स पर। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कार्ड्स। तो कार्ड्स से जुड़े हुए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि क्या क्या सिचुएशंस हमें मिलेंगी क्वेश्चंस में। देखिए, जिन्होंने कार्ड्स से गेम्स प्ले किए हुए हैं वो तो जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हुए हैं उनको मैं कुछ डिटेल देना चाहूँगा ताकि क्वेश्चंस को वो इजीली समझ सकें। देखिए, एक डेक होती है 52 कार्ड्स की, ठीक है, और जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो 52 कार्ड्स की डेक के लिए ही पूछे जाएंगे, ठीक है। एक 52 कार्ड्स का सेट होता है जिसे हम डेक कहते हैं, और उन 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, एक डेक में 4 सूट्स होते हैं, जिनके नाम क्या क्या होंगे, क्लब्स, स्पेड्स, हर्ट्स, डायमंड्स। तो क्लब और स्पेड्स दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। हार्ट्स, डायमंड्स दोनों रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, जैसे 4 सूट्स हैं यहाँ पर, क्लब, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड, तो हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। हर एक सूट में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे। तो जो कार्ड ऐसा होगा जिस पर ए लिखा होगा उसको हम एस बोलते हैं, ठीक है, जो कार्ड जिस पर एस ए लिखा होगा उसको हम एस बोलते हैं। बाकी नंबरिंग होती है 2 से लेकर 10 तक। देन 3 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं एक शूट में, ठीक है, 3 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। टोटल फेस कार्ड की हम बात करें तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे एक डेक में, 3 + 3 + 3 + 3, कितने, टोटल 12, ठीक है। तो 12 फेस कार्ड होंगे एक डेक में। कितने एस होंगे, 4 एस होंगे। 2 भी कितने होंगे, 4 होंगे। बाकी जो नंबर्स हैं उनके 4-4 कार्ड होंगे एक डेक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी था कार्ड्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अगर रेड कार्ड्स की हम बात करें पूरे डेक में, एक डेक में रेड कार्ड्स की हम बात करें, रेड कार्ड्स कितने होंगे, देखिए 2 सूट जो हैं वो रेड हैं, हार्ट्स और डायमंड्स। हर एक सूट में 13 कार्ड्स हैं, टोटल मिलाकर रेड कार्ड कितने हुए, 13 + 13 = 26। ब्लैक कार्ड्स की बात करें, ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, देखिए क्लब और स्पेड्स दोनों में ही 13 ब्लैक कार्ड्स हैं, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स एक डेक में कितने हुए, 26। तो इनसे जुड़ी हुई बातें आपको क्वेश्चंस में पूछी जाएगी, प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। फेस कार्ड का मैंने आपको बता दिया, फेस कार्ड कितने होंगे टोटल डेक में, 12 होंगे। और एक सूट की बात करें, जैसे हार्ट की बात करें, डायमंड की बात करें, स्पेड की बात करें, क्लब की बात करें, तो हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होंगे। अब कार्ड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन शफल्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि कार्ड जो है वो क्या होना चाहिए, अ हार्ट, अ क्वीन, अ क्लब, फोर्थ वन इज 9 ऑफ रेड कलर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है 3 कार्ड्स क्लब्स के, किंग, क्वीन और जैक,
इनको निकाल दिया गया एक डेक में से जो 52 कार्ड्स की थी। तो 52 कार्ड में से क्लब के चार सूट्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्लब, स्पेड, हार्ट्स, डायमंड। तो क्लब के किंग, क्वीन और जैक, इन तीन कार्ड को निकाल दिया गया उस डेक में से, और उसके बाद में जो बचे हुए कार्ड्स थे उनको फेर बदल किया गया, सफल किया गया। सफल का मतलब है कि जो एक सीक्वेंस है जैसे एस 2, 3, 4, 5, वो सीक्वेंस में कार्ड्स नहीं है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे किंग, क्वीन, जैक, 10, तो इस तरह से जमे हुए वो नहीं है। कोई भी कार्ड जो है किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, इस तरह की कंडीशन अभी है। उसमें से एक कार्ड को हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उस कार्ड के हार्ट होने की, एक क्वीन होने की, एक क्लब होने की और 9 नंबर का कार्ड होने की जो कि रेड कलर का हो। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमें चेक करनी है, चार कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, तो इन्हीं को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कोई इवेंट ए है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स की हम बात कर लें, क्योंकि हर एक कंडीशन में जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, हर एक कंडीशन में, यहाँ पर चार कंडीशंस दी गई हैं, उन सब कंडीशंस में पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो सेम होंगे। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, देखिए उस डेक में 52 कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स में से तीन कार्ड्स निकाले जा चुके हैं, किंग, क्वीन और जैक, जो कि क्लब के थे। अब तीन कार्ड निकाले जा चुके हैं डेक में से, तो बचे हुए कार्ड्स कितने होंगे, 52 - 3 डेट मीन्स 49। तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 49, और फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो हर एक कंडीशन के लिए डिफरेंट होंगे। तो अब कंडीशंस हम लेते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, कोई भी एक कार्ड जब हम ड्रॉन करें तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी उसके एक हार्ट की होने की, एक कार्ड हो जो कि हार्ट सूट में से हम लें। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक पूरी डेक में 13 कार्ड्स होंगे। और ध्यान ये दीजिए, किंग, क्वीन और जैक क्लब के निकाले हैं, ना कि हार्ट के। ठीक है, तो टोटल 13 कार्ड्स उस डेक में बचे हुए हैं, जो 49 कार्ड्स की डेक है उसमें टोटल 13 हार्ट के कार्ड बचे हुए हैं। इस वजह से फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 13 होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 13 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए एच से मैं रिप्रेजेंट कर दूं, अ हार्ट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितने, 13, पॉसिबल आउटकम्स 49। तो फर्स्ट केस के लिए जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 13 डिवाइडेड बाय 49। और अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो जब भी कोई एक कार्ड हम निकालें 49 कार्ड्स में से तो वो एक क्यून हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्यून, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पूरी जो डेक होती है 52 कार्ड्स की उसमें 4 क्वींस होती हैं। ठीक है, 4 क्वींस होती है, लेकिन यहाँ पर आप 4/49 प्रोबेबिलिटी बता देंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि एक क्वीन को हम निकाल चुके हैं 52 कार्ड्स में से। अब एक क्वीन को हम निकाल चुके हैं तो बचे हुए जो कार्ड्स हैं उनमें सिर्फ तीन ही क्वींस होंगी। ठीक है, तीन ही ऐसे कार्ड्स होंगे क्वींस के। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे सेकंड कंडीशन के लिए, 3। ठीक है, 3 कार्ड्स हैं क्वीन के, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/49। तो सेकंड केस के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी रहेगी 3/49, क्यून आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/49। और अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, तो एक क्लब का कार्ड होना चाहिए जब हम एक कार्ड को निकालें 49 कार्ड्स की डेक में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं इस शूट में, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर एक शूट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो क्लब में भी 13 कार्ड्स होते हैं।
52 डेक की हम बात करें तो क्लब में 13 कार्ड्स होंगे, लेकिन 49 की हम बात करें तो जरूरी नहीं है क्लब में 13 कार्ड हों, और हो सकता है किसी और में भी कम कार्ड्स हों क्योंकि 3 कार्ड्स को निकाला जा चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पर साफ साफ दिया गया है जो कार्ड्स निकाले गए हैं वो किस सूट से बिलोंग करते हैं, क्लब से, यानी कि जो सूट है क्लब उससे 3 कार्ड्स निकाले जा चुके हैं। अब 3 कार्ड निकाले जा चुके हैं, 13 टोटल कार्ड्स होते हैं, तो बचे हुए कार्ड्स कितने होंगे, 10। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे इस कंडीशन के लिए, 10। प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी एक क्लब के आने की, 10 टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 49। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 10/49। और अब लास्ट सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है कि जो कार्ड हम निकालें वो 9 नंबर का हो और रेड कलर का हो। ठीक है, दो कंडीशन साथ में दी गई हैं, एक तो 9 नंबर का हो और रेड कलर का हो। ठीक है, वैसे तो एक डेक में 52 कार्ड्स की डेक में 4 9 नंबर्स के कार्ड होते हैं। ठीक है, 4 9 नंबर्स के कार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी दिया गया है वो 9 नंबर का जो कार्ड होगा वो रेड कलर का होना चाहिए। अब दो सूट ऐसे होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, हार्ट्स और डायमंड। ठीक है, जो अदर सूट्स हैं क्लब और स्पेड्स वो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। तो दो सूट्स में हमें रेड कलर के कार्ड मिलते हैं, हार्ट्स और डायमंड, और उन दो के 9 नंबर्स को ही हमें लेना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स की मैं बात करूं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे। हार्ट्स में एक 9 नंबर जो कि रेड कलर का होगा, डायमंड में 9 नंबर जो कि रेड कलर का होगा, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी, 2/49। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 49। तो लास्ट केस के लिए, लास्ट सिचुएशन के लिए प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 2/49। इस तरीके से चारों ही कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी इजी है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। कंडीशंस ज़रूर चेंज हो सकती है लेकिन अप्रोच यही रहेगा। कई बार हो सकता है कुछ कार्ड्स को रिमूव कर दिया गया, नहीं रिमूव किया गया है तो पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 52 होंगे। अगर कुछ कार्ड को निकाल दिया गया है तो रिमेनिंग जो भी कार्ड्स बचते हैं डेक में वो आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और जो जो कंडीशंस दी जाएगी उनके हिसाब से उनको फॉलो करते हुए आप फेवरेबल आउटकम्स निकाल लें। और जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स, इसको यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर लें, तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2, ऑल किंग्स जैक्स डायमंड्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड क्वीन, अ फेस कार्ड, अ ब्लैक कार्ड, अ हार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है सभी किंग्स, सभी जैक्स, सभी डायमंड्स के जो भी कार्ड्स हैं उनको निकाल लिया गया है 52 कार्ड्स की डेक में से। ठीक है, सभी किंग्स, सभी जैक्स, सभी डायमंड के कार्ड्स को। अब जो बचे हुए कार्ड हैं उनको वेल सफल किया गया, उनको फेर बदल किया गया कार्ड्स को, ताकि जो सीक्वेंस है वो ना बना रहे, जैसे एज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह का सीक्वेंस ना बना रहे, कोई सा भी कार्ड किसी भी पोजीशन पर मिल सकता है। ठीक है, अब उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, रिमेनिंग जो कार्ड्स बचे हुए हैं उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है, और प्रोबेबिलिटी हमें ये चेक करनी है कि वो जो कार्ड हमने निकाला है वो एक रेड क्वीन हो, एक फेस कार्ड हो, एक ब्लैक कार्ड हो, या फिर एक हार्ट कार्ड हो। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अप्रोच वही रहेगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है एक इवेंट ए की, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले पॉसिबल आउटकम्स हम फाइंड आउट कर लें। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में दिया गया था कि 52 कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स निकाले गए, वैसा ही यहाँ पर भी दिया गया है। अब 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स निकाले गए हैं, ऑल किंग्स, 52 कार्ड में से ऑल किंग्स निकाल लिए गए। टोटल किंग्स कितने होते हैं,
फोर, तो फोर किंग्स निकाल लिए गए, ऑल जैक्स, फोर जैक्स होते हैं वो भी निकाल लिए गए, ऑल डायमंड्स, एक सूट होता है डायमंड जिसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 कार्ड्स भी निकाल लिए गए। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, जितने रिमेनिंग कार्ड्स बचे हुए हैं, ठीक है, जितने रिमेनिंग कार्ड्स बचे हुए हैं, अगर आप यहाँ पर 52 में से 13, 4 और 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू जो है वो आपके पास में आएगी 31, लेकिन ये गलत होगा, पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 31 नहीं होंगे। उसका कारण मैं आपको बता दूं, देखिए जो डायमंड्स के कार्ड्स हम निकाल रहे हैं 13 हम निकाल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो किंग्स हैं उनमें एक डायमंड का भी किंग होता है, ठीक है, फोर किंग्स में से एक डायमंड का किंग होता है, उसे हमने पहले काउंट कर लिया, फोर जैक में से एक डायमंड का जैक होता है उसे भी हमने पहले ही काउंट कर लिया, यानी कि दो कार्ड्स तो हम पहले ही निकाल चुके, तो क्या 13 डायमंड्स के कार्ड बचेंगे, नहीं बचेंगे, ठीक है, दो कार्ड्स हम पहले ही डायमंड के निकाल चुके हैं, तो क्या टोटल 13 कार्ड्स बचेंगे, नहीं बचेंगे, कितने कार्ड्स बचेंगे, 11 कार्ड्स बचेंगे, तो हमें 52 में से कितना माइनस करना है, 4 + 4 + 11, क्योंकि दो कार्ड्स हम पहले काउंट कर चुके हैं, 4 + 4 = 8, 8 + 11 कितना हो जाएगा, 19, तो 52 में से हमें 19 माइनस करना है, 19 माइनस करते हैं 52 में से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 33, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 33। और अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की, जो हर एक कंडीशन में अलग होंगे। फर्स्ट कंडीशन की हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई एक कार्ड हम निकालें रिमेनिंग कार्ड्स में से और वो रेड क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, देखिए 52 कार्ड्स की डेक में टोटल क्वींस कितनी होती हैं, 4 क्वींस होती हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड, इन चारों ही सूट में एक एक क्वीन होती हैं, दो सूट ब्लैक कलर के होते हैं, दो सूट रेड कलर के होते हैं, तो बेसिकली कहा जाए तो 4 क्वींस में से 2 रेड कलर में हमें क्वीन मिलेंगी और 2 ब्लैक कलर में, ठीक है, 2 रेड कलर में, 2 ब्लैक कलर में। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 2 हम लें तो एक गलती हो जाएगी, उसका कारण क्या है, क्योंकि डायमंड्स के टोटल कार्ड्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है, डायमंड्स के टोटल कार्ड्स हम निकाल चुके हैं और डायमंड सूट जो होता है वो रेड कलर में होता है, ठीक है, अब रेड कलर की एक क्वीन हम निकाल चुके हैं, ठीक है, रेड कलर की एक क्वीन हम निकाल चुके हैं, इस वजह से जो रिमेनिंग क्वीन बचेगी वो कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी, 2 ब्लैक 1 रेड, ठीक है, 2 ब्लैक 1 रेड, और रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 1 ही फेवरेबल आउटकम होगा, इस वजह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी रेड क्वीन के लिए, 1 / पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 33, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/33। और अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो एक कार्ड हम रिमेनिंग कार्ड्स में से निकालें और वो एक फेस कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इस केस में, देखिए फेस कार्ड कितने होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, ऑल किंग्स, ऑल जैक्स, ऑल क्वींस, ठीक है, उन सबको ऐड हम करें तो टोटल फेस कार्ड होते हैं कितने, 12, ठीक है, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है सभी किंग्स को रिमूव कर दिया गया है, हट जाएगा, सभी जैक्स को रिमूव कर दिया गया है, हट जाएगा, बचे क्या, सिर्फ क्वींस, ठीक है, 4 कार्ड्स होंगे क्वींस के, ठीक है, 4 कार्ड्स होंगे क्वींस के, लेकिन ध्यान दीजिएगा 13 डायमंड्स के कार्ड्स भी हम निकाल चुके हैं और उनमें एक क्वीन का कार्ड भी होगा, ठीक है, एक क्वीन का कार्ड भी होगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग बची क्या, ठीक है, रिमेनिंग क्वींस कितनी बची, यहाँ से 1 क्वीन को भी हम निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग क्वींस कितनी बची या फिर रिमेनिंग फेस कार्ड कितने बचे, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 किंग 4 जैक भी हम निकाल चुके हैं, तो टोटल 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9, 9 कार्ड्स, 9 फेस कार्ड हम निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचेंगे, फेस कार्ड 12 - 9 = 3।
फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3। प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी इस इवेंट के लिए कि एक फेस कार्ड हो, ठीक है, फेस कार्ड हो, फेवरेबल आउटकम्स 3, पॉसिबल आउटकम्स 33। सोल्व करेंगे इसे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/11। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी इजी है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। देखिए एक कार्ड हमको निकालना है रिमेनिंग कार्ड्स में से और वो एक ब्लैक कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये हमको फाइंड आउट करना है। टोटल जो डेक होती है उसमें कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26। क्लब और स्पेड दो सूट ऐसे होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, तो टोटल 26 कार्ड्स होते हैं, टोटल 26 कार्ड्स होते हैं। अब रिमेनिंग ब्लैक कार्ड्स कितने बचे हैं ये हमें देखना है, क्योंकि कुछ कार्ड्स को हम रिमूव कर चुके हैं। डायमंड्स टोटल रेड कार्ड होते हैं तो इनको तो हमें हटाना नहीं है, ठीक है, इनको हमें काउंट नहीं करना है, यहाँ पर सबट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ जो ब्लैक कार्ड हम निकाल चुके हैं उनको यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है। तो फोर किंग्स, और फोर किंग्स में से टू किंग्स ब्लैक कलर में होते हैं, ठीक है, टू किंग्स ब्लैक कलर में होते हैं, टू किंग्स रेड कलर में होते हैं, तो टू कार्ड हम माइनस करेंगे। फोर जैक्स निकाले गए हैं तो टू जैक्स ब्लैक कलर के होते हैं, टू जैक्स रेड कलर के होते हैं, तो टू कार्ड्स और निकाले गए। बाकी 13 डायमंड निकाले गए हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, तो उनको यहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 26 माइनस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 22। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 22। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इस इवेंट की हमें ब्लैक कार्ड मिले, प्रोबेबिलिटी रहेगी 22 डिवाइडेड बाय 33। 11 से 22 डिवाइड होगा 2 टाइम, 33 डिवाइड होगा 3 टाइम, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पर, 2/3। और अब बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, कंडीशन नंबर 4। एक कार्ड हम निकालें रिमेनिंग कार्ड्स में से और वो एक हार्ट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखिए टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स की डेक में 13 हार्ट्स होते हैं, ठीक है, 13 हार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाले गए हैं, क्या वो कार्ड्स हार्ट में से भी निकाले गए हैं, जो सूट है हार्ट्स का उसमें से भी कुछ कार्ड्स निकाले गए हैं। अगर निकाले गए हैं तो यहाँ पर हम 13 फेवरेबल आउटकम्स नहीं लेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए फोर किंग्स निकाले गए हैं और फोर किंग्स में से एक किंग हार्ट्स का होता है, ठीक है, एक किंग हार्ट्स का होता है, तो माइनस होगा यहाँ पर। फोर जैक्स निकाले गए जिनमें से एक जैक हार्ट्स का होता है, तो ये भी माइनस होगा। 13 डायमंड्स का हार्ट से रिलेशन नहीं है, ठीक है, रिलेशन सिर्फ एक ही है, दोनों रेड कलर के होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो रिमेनिंग जो हार्ट्स के कार्ड बचे हुए हैं, हार्ट शूट के कार्ड बचे हुए हैं, वो कितने हैं, 13 माइनस 2 डेट मीन्स 11, ठीक है। तो हार्ट शूट में 11 कार्ड्स बचे हुए हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 11 होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस के लिए कि हमें एक हार्ट मिले, तो फेवरेबल आउटकम्स 11, पॉसिबल आउटकम्स 33, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। तो फ्रेंड्स जो भी कार्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ एक ही बात आपको समझनी है कि 52 कार्ड्स की डेक में कितने तरह के कार्ड्स होते हैं, कितने अलग अलग सूट होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको ध्यान में होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने के लिए, सही से सोल्व करने के लिए। अगर आपको ये बातें पता नहीं है तो आप जो एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आंसर आप इन क्वेश्चंस का नहीं दे पाओगे, तो इन इम्पोर्टेंट बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें। अब देखते हैं इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3। अ सिंगल कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ किंग और अ क्लब।
तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक से इसे समझिएगा। यहाँ पर यह बोला गया है कि 52 कार्ड्स की एक डेक है, जिसमें से एक कार्ड सिंगल कार्ड चुना गया और उस कार्ड के किंग होने या फिर एक क्लब होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, और की कंडीशन है, या तो किंग हो या क्लब हो या फिर दोनों ही साथ में हमें मिले, ठीक है, या फिर दोनों ही साथ में हमें मिले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, यह हमें चेक करना है। तो दो इवेंट्स हैं बेसिकली हमारे पास में, एक तो किंग हमें मिले, ठीक है, तो किंग हमें मिले, और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है कि एक कार्ड जो हम निकाल रहे हैं वो क्लब हो। तो दो इवेंट्स हैं, किंग हमें मिले या फिर क्लब हमें मिले, बीच में कंडीशन है और की, और की कंडीशन के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, ठीक है, यूनियन यूज़ करते हैं। बट यूनियन यूज़ करने से पहले एक बात हमें जाननी होगी, वो मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी इस तरह की कंडीशन हमें मिलेगी दो इवेंट्स की, तो हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर यूनियन की बात चल रही है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो फर्क पड़ेगा। तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे, मैंने बताया हुआ है आपको, जो दोनों एक साथ में घटित ना हो, नॉट हैपन टुगेदर, ठीक है, नॉट हैपन टुगेदर, अगर ये साथ में घटित नहीं होते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो जो फॉर्मूले में लास्ट पार्ट होता है पी इंटरसेक्शन बी का, उसको हम जीरो के इक्वल मानेंगे, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उसको हम जीरो के इक्वल मानेंगे, नहीं होते हैं तो उस पार्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो चेक कर लेते हैं दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या फिर नहीं, क्या ये साथ में घटित नहीं हो सकते। ऐसा हम कार्ड निकालें जो एक किंग भी हो और क्लब भी हो, पॉसिबल है, क्योंकि जो सूट है क्लब का उसमें 13 कार्ड्स होते हैं और उन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड किंग भी होता है, ठीक है, एक कार्ड किंग भी होता है, तो हमें एक कार्ड ऐसा मिल सकता है जो किंग भी हो और क्लब भी हो, यानी कि दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो साथ में हो सकते हैं। इस वजह से ये जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। तो फॉर्मूले में जो लास्ट पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमें रखना होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है कि एक कार्ड किंग का हो या फिर क्लब हो। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन सी। और अब प्रोबेबिलिटी हम इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के, कोई एक जो कार्ड हम निकालें वो किंग हो, टोटल 52 कार्ड्स की डेक में 4 किंग्स होते हैं, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 होंगे, पॉसिबल आउटकम्स 52 कार्ड्स, पॉसिबल आउटकम्स 52 होंगे, क्योंकि एक भी कार्ड को रिमूव नहीं किया गया है, अलग नहीं रखा गया है, तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो 52 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के क्या हो जाएगी, 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, वो जो कार्ड हम निकाले वो क्लब का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब 52 कार्ड की डेक में टोटल कितने क्लब होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, जो सूट होता है क्लब्स का उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, 13 फेवरेबल आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स 52। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इवेंट सी के लिए, 13/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो दोनों ही इवेंट्स में कॉमन हो वो फेवरेबल आउटकम हम लेंगे। कॉमन क्या होगा, एक ऐसा कार्ड होगा, सिर्फ एक ही ऐसा कार्ड होगा जो क्लब भी होगा और किंग भी होगा 52 कार्ड्स में, ठीक है, जो किंग भी होगा और क्लब भी होगा, ठीक है, वो एक ही कार्ड कॉमन होगा, इस वजह से फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1
और पॉसिबल आउटकम्स 52। तो इस केस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई है हमारे पास में 1/52। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन्हें, तो एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 52 4 प्लस 13 माइनस 1, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 52। सिंप्लीफाई करते हैं, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, 52 4 से डिवाइड होगा 13 टाइम। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ के यूनियन सी हमें क्या मिला है, 4/13, ठीक है 4/13। तो जो हम कार्ड निकालें वो एक किंग हो या फिर क्लब हो या फिर दोनों ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 4/13। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन कार्ड्स जो कि प्रोबेबिलिटी में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, हार्ड नहीं है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया कार्ड्स में क्या क्या सूट्स होते हैं, किस तरह के कार्ड्स होते हैं, कितने कलर्स के कार्ड्स होते हैं, ये बातें आपने जान ली, तो ईजीली आप किसी भी क्वेश्चन के लिए जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सिचुएशन के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, पसंद आया तब ही लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस अलाउ हो जाएं, उनको परमिशंस मिल जाएं, ठीक है। और जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए ईमेल के थ्रू, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।